ओके सो हे गाइस, आज का वीडियो जो है हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है लिनक्स बेसिक कमांड्स के बारे में। तो बेसिकली इसमें हम कुछ बेसिक चीज़ें बात करेंगे लिनक्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करें लिनक्स। लिनक्स क्या है? लिनक्स फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे आप फ्री में डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका कोड भी ओपन सोर्स है, यानी कोड में आप मॉडिफिकेशन करके भी अपना ओएस बना सकते हैं, अगर आप बना पाए तो। ठीक है, आप समझ लिनक्स समझ के क्या होता है। अब बात करते हैं लिनक्स कमांड्स के बारे में। तो बेसिकली जब भी हम बात आता है लिनक्स कमांड्स के, तो आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पे जो लिनक्स के एडमिन होते हैं वो काफ़ी सारे कमांड्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बात करके कमांड ही क्यों, अगर हम चाहें बेसिकली तो हम सिंपली क्लिक कर देंगे, ठीक है, एक्सप्लोर में यानी फाइल्स में, यहाँ से भी तो हम कोई भी काम कर सकते हैं, टास्क क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप लिमिटेड चीज़ें ही कर सकते हो। लेकिन जब बात आती है कमांड्स की, तो कमांड के थ्रू आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं, इतनी सारे जितनी आप सोच नहीं सकते, जो कि आप टाइम आने के बाद जब जब आप सीखते जाओगे फिर आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। या ये समझ लो चीज़ें ऑटोमेट करने के लिए, आप काम को, टास्क को काफ़ी फास्ट परफॉर्म करने के लिए आपको कमांड काफ़ी हेल्प करती हैं। इसलिए लिनक्स में हम कमांड लाइन का ही यूज़ करते हैं, कमांड्स का ही यूज़ करते हैं। ओके, तो बात करते हैं हम कमांड्स यानी टर्मिनल को कैसे एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली तीन तरीके हैं। या तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करके टर्मिनल को एक्सेस कर लो, ठीक है, या फिर आप चले जाओ यहाँ पे एप्लीकेशंस में, यहाँ पे सर्च कर लो टर्मिनल, तो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, या फिर जो शॉर्टकट तरीका है वो है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस टी। ठीक है, ये एक नया टर्मिनल विंडो ला कर दे देता है, और आप चाहते हैं इसी टर्मिनल विंडो के अंदर एक और टर्मिनल ओपन करना, तो कंट्रोल शिफ्ट और टी दबाओगे तो यहाँ पे टैब में ओपन हो जाएगा। ठीक है, जितनी बार दबाओगे उतनी बार ये ओपन होता जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप टर्मिनल को एक्सेस कर सकते हैं। और बात रहा कि अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ उबंटू, तो क्या लिनक्स के जो दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन है जैसे रेड हैट, उन पे ये काम करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा, थोड़ी बहुत चेंजिंग होती है, ठीक है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें सेम होती है। जो कमांड्स होते हैं जो हम सीखने वाले हैं, जैसे कि CD LS बहुत सारे कमांड, वो सारे कमांड्स सेम होते हैं। क्या चीज़ें अलग होंगी वो मैं आगे वीडियो में बता दूंगा, ठीक है, जब हम सीखते जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। तो बात करें कि उबंटू आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, तो बेसिकली आप वर्चुअल बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी ये जो मशीन मैंने एक्सेस कर रखा है, ये बेसिकली मैंने ये देखो, ठीक है, इसे कर देते हैं, ये देखो मैंने वर्चुअल बॉक्स पे ही इसे स्टार्ट कर रखा है, तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको दो चीज़ें जाननी जरूरी है, सबसे पहला है शेल, दूसरा है टर्मिनल। ठीक है, तो वैसे जो शेल है ये एक प्रोग्राम है, जो भी हम कमांड देते हैं कीबोर्ड पर उस कमांड को ओएस तक पहुंचाना, फिर ओएस उस कमांड को प्रोसेस करके टास्क परफॉर्म कर देता है। ठीक है, टर्मिनल क्या होता है? टर्मिनल वो आप टूल बोल सकते हो जो कि शेल कमांड पास करता है। ठीक है, यानी ये हमारा टर्मिनल हो गया, इसमें कोई भी कमांड डालेंगे ये शेल प्रोग्राम तक जाएगा, और शेल प्रोग्राम जो है कि हमारे ओएस तक उसे भेज देगा, फिर ओएस जो है कि हमारा टास्क परफॉर्म कर देगा। हमने अभी टर्मिनल ही खोल रखा है, ये बेसिक चीज़ आपको पता होगी। तो बेसिकली हम आने वाले वीडियोस में हर एक वीडियो में सिंगल कमांड पढ़ने वाले हैं, जैसे CD LS। ठीक है, और कोई छोटा कमांड हुआ तो मैं दो कमांड को एक वीडियो में कर दूंगा। तो दोस्तों आने वाले वीडियो में आप काफ़ी सारे कमांड सीखने वाले हैं, जो कि जैसे मैं दिखाता हूँ, जैसे CD, ठीक है, LS, ठीक है, CD, ये कैसे हो रहा है, ये सब चीज़ें कैसे काम कर रही है, मतलब कि एवरीथिंग आप सीखने वाले हो, और इतना अच्छा से सीख जाओगे कि आप लिनक्स यूज करना आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो बस आज के इतना ही। उम्मीद दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक की, दोस्तों शेयर कीजिए, कोई सवाल तो कमेंट किए, कुछ हो जाए तो भी कमेंट कर सकते हैं। चैनल पहली बार आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, सारे बटन को प्रेस कीजिए, मैं हमेशा आपके लिए ऐसे इंटरेस्टमेंट लेके आते रहता हूँ। तो फ्लैग दोस्तों, टेक केयर एंड गुड बाय।